आज ये मेरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट टू वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो कंप्यूटर की जनरेशन 5 से ज़्यादा आ गई है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक। अगर आप भी जानना चाहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 1956 के बीच कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का विकास हुआ। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे, इसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती थी। ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता था, जिसके कारण एसी और बड़े बड़े पंखों का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इस जनरेशन का कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था वो उसका पिक्चर ये है, और इसके जस्ट जो नीचे दिखाई दे रहा है वो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है, लगभग ये 2 रूम के बराबर होता था और ये बहुत स्लो काम करता था। सेकेंड जनरेशन, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में। 1957 से 1962 के बीच कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का विकास हुआ। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर जगह ले ली, जिसके वजह से पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में छोटा हो गया और बिजली की खपत भी कम हो गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और SML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जैसे IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाया गया था वो ट्रांजिस्टर था, जो यहाँ दिया हुआ है और सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का पिक्चर है। आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हो गया, और ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा फास्ट वर्क करने लगा था। थर्ड जनरेशन, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। 1963 से 1972 के बीच कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। IC का आविष्कार जैक किल्वी द्वारा किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में गर्मी की मात्रा कम हो गई और बिजली की खपत भी कम हो गई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर छोटा आकार हो गया। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर है IBM 360, सीरीज हॉनीवेल 6000, PDP, IBM 370, TDC 316। इस जनरेशन के कंप्यूटर में IC लगा हुआ था। ये आपका IC का पिक्चर है, और
आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड में कितना आईसी लगा हुआ है, और इस जनरेशन का कंप्यूटर का भी पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से साइज छोटा हो गया, और इसका स्पीड और फास्ट हो गया फोर्थ जनरेशन। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के बारे में। 1973 से 1990 के बीच कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का विकास हुआ। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, जिनमें हजारों आईसी एक सिंगल चिप पर निर्मित की जा सकती थे। लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का निर्माण किया गया, और समय के साथ इसी LSI का विस्तार VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में कर दिया गया। पर माइक्रोचिप 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाने जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, और इसी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर आया, और आज की डेट में सब कोई इसका इस्तेमाल करता है। हम लोग जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में C, C++ डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन में क्रेज जैसे सुपर कंप्यूटर का जन्म भी हुआ, जो एक सेकेंड में 1 बिलियन गणनाएं कर सकता था। इस जनरेशन में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनका नाम है Cray 1, Cray 2, Apple 2, DEC 10, Star 1000। फिफ्थ जनरेशन। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी के बारे में। 1991 से अब तक पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीक उभर कर आई, जिसे ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया जा सकता था। इस पीढ़ी में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा, वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग का आरंभ किया गया। इस पीढ़ी में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जावा, VB.NET की शुरुआत इसी पीढ़ी में हुई। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घर के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। पिछले वीडियो में हम बताए थे कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1 वीडियो अगर आप देखे हो तो उसमें से एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं।